आप सब बढ़िया ना? ये तो मुझे मालूम है, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और नीट का पेपर देने के बाद तो सब भले चंगे हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अब नीट 2025 में होगा और पूरा साल पड़ा है फिर से तैयारी करने के लिए, जी जान देने के लिए। सो बच्चों, ये देखिए मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, नीट 2024 सेट R4, यानी इस साल जो नीट का पेपर हुआ है उसका जो सेट R4 है उसका मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बेसिकली XCQ का है, जिसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो सबके सब गलत है। यानी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो है XCQ का और आंसर दिया इन्होंने NC2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेमी कंजर्वेटिव मैथड एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो सबसे पहले तो बच्चे सारे इतने कंफ्यूज्ड थे कि ये चैप्टर तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो बेसिकली XCQ से है। तो जब XCQ ऑप्शन ही नहीं है तो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट आंसर लगाए होंगे, ये फैक्ट है। किसी ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लगाया होगा, किसी ने ये सोचा होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो आएगा तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, तो उसमें NC2 था तो NC2 लगा दिया होगा। किसी ने ये सोचा होगा कि जब NC2 XC2 हो गया था तो उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीटिंग करी गई थी जो जोहान्सबर्ग में 2002 में हुई थी। 190 कंट्रीज में इसमें प्लेज उठाई थी, कमिटमेंट किया था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम पूरी तरीके से 2010 तक कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ बच्चों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगाया होगा और सेमी कंजर्वेटिव मैथड तो भाई इसका है ही नहीं, तो ये तो बच्चों ने लगाया ही नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं क्या है, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड XCQ, है ना आंसर XCQ। सो बच्चों तैयार हो जाइए बोनस मार्क्स लेने के लिए NTA की तरफ से। आप सब बच्चों को NTA बोनस मार्क देने वाला है इस क्वेश्चन में, इसलिए देने वाला है कि जितने भी ऑप्शन है चारों वो इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही नहीं बैठते हैं। तो है ना ये मजे की बात, जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उन सबको बोनस मार्क मिलने वाले हैं। सो हिप हिप हुर्रे, है ना, हिप हिप हुर्रे। तो 4 मार्क्स पक्के। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। मैं आपको पूरी तरीके से बायो रटवाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।